इस वीडियो में हम लोग 42 से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वाला वीडियो जो लोग नहीं देखे हो अभी तक टाइम है, जो इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू बोल के जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके देख लीजिए। आपका पार्ट 0 से लेके पार्ट 10 तक का आपको मिल जाएगा, तो वो सब कंप्लीट कर लीजिए, फिर यहाँ पे आप 42 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए। टाइपिकल साइज ऑफ मैग्नेटिक डोमेन डैश मिलीमीटर। तो मैग्नेटिक डोमेन का साइज यहाँ पे पूछा है। पहले देख लेते कि मैग्नेटिक डोमेन क्या होता है। देखिए मैग्नेटिक डोमेन जो होता है ये वेरी हाई लेवल चीज है, मैग्नेटिक डोमेन। ठीक है, डिप्लोमा लेवल में ये नहीं नहीं है और रहेगा तो बहुत छोटा सा रहेगा। तो मैग्नेटिक डोमेन के ऊपर एक एक बुक लिखा गया बड़ा बड़ा है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि एमसीक्यू करने के लिए ऐसा ऐसा टर्म आपको आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक डोमेन देखिए, हर एक बड़ा बड़ा मैग्नेट, मैं इजी तरीके से बता देता हूँ, हर एक बड़ा मैग्नेट क्या होता है, छोटा छोटा मैग्नेट लेके बनता है। ठीक है, छोटा छोटा मैग्नेट लेके बनता है। तो छोटा छोटा एक जो मैग्नेट है इसमें मैग्नेट का सारा जो है डिरेक्शन बता सकते हो या तो प्रॉपर्टीज बता सकते हो, सारे इसमें फुलफिल रहता है। ठीक है, ये जो छोटा छोटा मैग्नेट है इसको, छोटा छोटा मैग्नेट को एक एक रीजन बोलते हैं और एक एक रीजन को एक एक डोमेन भी बता सकते हो। ठीक है, एक छोटा छोटा रीजन को एक डोमेन बता सकते हो, तो ये हो गया मैग्नेटिक डोमेन बोलते हैं इसका। तो इसका साइज पूछा गया है। ठीक है, इसका साइज पूछा गया, तो इसका साइज जो है वो होता है 0.1 से लेके 0.01, पॉइंट सॉरी 0.1 से लेके 1 मिलीमीटर। इसका साइज जो है इतना कम होता है। ठीक है, इतना छोटा छोटा होता है, एक एक रीजियन का जो साइज होता है इतना होता है। और नेक्स्ट पूछ रहा है, देखिए टाइपिकल थिकनेस ऑफ ब्लोच वॉल। ब्लोच वॉल ये भी नया टर्म है, इसको भी मैं बता देता हूँ। ब्लोच वॉल कुछ नहीं है, जो डोमेन छोटा छोटा डोमेन दिख रहा है, तो डोमेन एक डोमेन दूसरा डोमेन के बीच में जो मतलब वॉल होता है, ठीक है, जो पर्दा रहता है, वॉल रहता है, कुछ ही बता देता है, तो उसका थिकनेस पूछ रहा है। तो इसका थिकनेस और भी कम होता है, इसका थिकनेस जो होता है नैनोमीटर में आता है, वो ये होता है 100 नैनोमीटर। ठीक है, 100 नैनोमीटर का रेंज में होता है इसका जो छोटा छोटा पर्दा है, उसको ब्लोच वॉल बोलते हैं। ठीक है, ब्लोच वॉल बोलते हैं। तो ये भी याद रखना का, ये सब छोटा छोटा जो टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और ये आपको कोई बुक में भी नहीं मिलेगा, ये आपको सीधा सीधा याद रखना है। ठीक है, तो पहले देख लेते मैग्नेट डोमेन का जो साइज है 1.1 से लेकर 1 मिलीमीटर, उसके बाद थिकनेस ऑफ ब्लोच वॉल जो होता है वो 100 नैनोमीटर में आता है। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल फॉर सॉफ्ट मैग्नेट। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर सॉफ्ट मैग्नेट, जो लोग मेरा नोट्स लिया हो ये अच्छे से तरीके से है, दिया हुआ है, या तो इलेक्ट्रिक ट्रिक्स जो है मेरा चैनल में देखिए, इलेक्ट्रिक ट्रिक्स लगा हुआ, उसमें सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का जो एग्जाम्पल है कैसे याद रखना है, क्या क्या है, सारा चीज मैं बता दिया हूँ। तो 44 का देखिए एग्जाम्पल फॉर सॉफ्ट मैग्नेट, सॉफ्ट मैग्नेट 45 परमियालॉय CrO2 FePD एलनिको, ऐसा है। तो 45 परमियालॉय का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखिए 45 परमियालॉय, तो ये होता है 45 परमा एलॉय। ठीक है, 45 परमा एलॉय, इसका मतलब यही है कि एक एलॉय है, ये तो समझ में आ रहा है। एलॉय मतलब ना एक मिश्रण है, मतलब कोई भी दो मेटल देखे, एक मेटल जो बनाते हैं उसको हम लोग एलॉय बोलते हैं, और परम का मतलब है परसेंटेज। ठीक है, तो 45% यहाँ पे रहेगा निकेल, और बाकी परसेंट मतलब 55% जो रहेगा ये रहेगा आयरन। ठीक है, 45 परमा एलॉय का मतलब यही होता है। अगर यहाँ पे 55 परमा एलॉय होता है तो 55% हो जाएगा निकेल और 45% हो जाएगा आयरन। ठीक है, तो ये टेक्निकल टर्म है तो याद रखना है। तो सॉफ्ट मैग्नेट होता है 45% निकेल प्लस 55% आयरन, जिसको बोलते हैं 45 परमा एलॉय। ठीक है, तो आंसर हो रहा है ए। नेक्स्ट हो रहा है देखिए हार्ड मैग्नेट, एग्जाम्पल ऑफ हार्ड मैग्नेट। तो हार्ड मैग्नेट किसको बताएंगे हम लोग, हार्ड मैग्नेट का जो एग्जाम्पल है देखिए एलनिको, एल्यूमिनियम निकेल कोबाल्ट। ठीक है, एल्यूमिनियम निकेल कोबाल्ट तीन देके जो बनता है, एल्यूमिनियम प्लस निकेल प्लस कोबाल्ट देके जो एलॉय बनता है, ठीक है, जो एलॉय बनता है उसको हम लोग बोलेंगे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में देखिए परमेबिलिटी जो होता है बहुत ही कम होता है, और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में परमेबिलिटी ज्यादा होता है, यही मेनली डिफरेंस जो है यही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं देखिए 47 का, इन व्हिच सॉरी 46 का, एग्जाम्पल फॉर मैग्नेटिक मटेरियल यूज इन डेटा स्टोरेज डिवाइस। तो डेटा स्टोरेज डिवाइस मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यूज होता है एक मैग्नेटिक मटेरियल, जिसको हम लोग मेमोरी डिवाइस के हिसाब से यूज करते हैं। तो वो जो होता है वो होता है क्रोमियम डाइऑक्साइड CrO2। ठीक है, मेमोरी डिवाइस भी उसको बोला जाता है CrO2।
O2, क्रोमियम डाइऑक्साइड। क्रोमियम डाइऑक्साइड जो है ये है मेमोरी डिवाइस भी कभी कभी बोला जाता है इसको, तो एमसीक्यू के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब छोटा छोटा चीज आपको याद रखना है, एसएससी जेई में कई बार आ चुका है। तो 46 का जो आंसर है वो हो रहा है CrO2, यानी कि बी, 46 का बी। 47 का देखिए, इन व्हिच मटेरियल द मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी इज फॉलोड। अब नया टर्म आ गया, देखिए मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी क्या होता है। मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी कुछ नहीं है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टीज होता है जो कि डिरेक्शन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चीज है, बताना जाएंगे तो लग जाएगा। तो बस एमसीक्यू के लिए ही मैं बता रहा हूँ, एमसीक्यू के लिए जितना आपका जरूरत उतना लगे। मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी ये होता है कि एक मैग्नेट फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है जो कि डिरेक्शन के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है, डिरेक्शन के ऊपर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है, देखिए इन व्हिच मटेरियल द मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी इज फॉलो, मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी देखा जाता है हमेशा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, ठीक है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। तो ऑप्शन हो रहा है सी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये हुआ फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है, यहाँ वो की जगह आई होगा, तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। यहाँ पे जो लोग मेरा नोट्स लिए हो वो लोग को बता रहा हूँ कि थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, 47 का आंसर है सी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट आ रहा देखिए, द कॉन्वर्स ऑफ मैग्नेटोस्ट्रिंग इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी, विल्लर इफेक्ट एंड कुरी इफेक्ट। तो इसका आंसर है विल्लर इफेक्ट। तो आप बता लेते हैं कि विल्लर इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। देखिए विल्लर इफेक्ट, तो भिल्लर इफेक्ट क्या होता है, भिल्लर इफेक्ट ये होता है कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल मान लीजिए, ठीक है। तो मैग्नेटिक मटेरियल के क्या करने के, मैकेनिकली ट्रेस देके, ठीक है, मैकेनिकली ट्रेस देके इसका डायमेंशन डायमेंशन चेंज किया जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल का डायमेंशन चेंज किया जाता है, ससेप्टिबिलिटी वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका डायमेंशन और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दो चीज चेंज होता है, क्या क्या चेंज होता है, डायमेंशन और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दोनों चेंज होता है। तो उसको हम लोग बताएंगे कि विल्लर इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, विल्लर इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे जो होता है कन्वर्जेंस ऑफ मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, ठीक है, ये मैग्नेटोस्ट्रिक्शन एक्चुअली है कन्वर्जेंस, मतलब ये चेंज हो रहा है। तो ये कोई मैकेनिकली ट्रेस देना, कोई मतलब हैमरिंग करना कुछ चीज, ये सब होता है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। और कन्वर्स ऑफ मैग्नेटोस्ट्रिक्शन जो होता है वो होता है एक्चुअली विल्लर इफेक्ट, जिसमें दोनों चेंज होता है डायमेंशन और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो इसीलिए आंसर जो हो रहा है 48 का आंसर हो रहा है विल्लर इफेक्ट, यानी कि सी। ये भी नया टर्म है, इसको भी याद रखना है। 49 का देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज फेरी मैग्नेटिक, ठीक है। फेरी मैग्नेटिक मटेरियल का भी एग्जाम्पल ये मांग रहा है, आयरन, टीन, Fe2O3, FeCl। तो इसका जो आंसर है Fe2O3। मैं फेरी मैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल देने के लिए मैं बता दिया था जो प्रीवियस वीडियो जो लोग नहीं देंगे, एक्चुअली फेरी मैग्नेटिक मटेरियल मतलब फेराइट होता है और उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बता सकते हो। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन सा हो रहा है, आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो रहा है Fe2O3, ठीक है, Fe2O3, ठीक है, Fe2O3, जो कि आंसर सी, 14 का आंसर सी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 50 से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए चलिए धन्यवाद।